हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम की। थेवेनिन थ्योरम क्या होता है? इन्होंने बताया एनी टू टर्मिनल बाइलेटरल लीनियर सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए वोल्टेज सोर्स एंड ए सीरीज इम्पीडेंस जेड टी एच और रेजिस्टेंस आर टी एच। क्या मतलब इसका? इन्होंने कहा कि एक हमारे पास अगर टू टर्मिनल का कोई नेटवर्क है, लीनियर सर्किट होना जरूरी है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक ऐसे सर्किट से बदल सकते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स वी टी एच होता है और सीरीज में आर टी एच या जेड टी एच होगा। तो जेड टी एच का हम लोग कहते हैं, जब ए सी सर्किट होगा तो जेड टी एच कहेंगे इम्पीडेंस के टर्म में, और रजिस्टिव सर्किट होगा या डी सी सर्किट होगी हमारी तो आर टी एच की कर लेंगे, ठीक है। जेड टी एच आर टी एच एक ही बात है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ स्टेप हैं इसके। क्या स्टेप है? पहला, फर्स्ट स्टेप है हमारा रिमूव द लोड रजिस्टर आर एल एंड फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज वी टी एच अक्रॉस द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। तो बच्चों सर्किट में जहाँ पे भी हमें करंट चाहिए या वोल्टेज चाहिए, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग क्या समझेंगे? लोड। तो उस लोड रजिस्टेंस आर एल या जेड एल कह लेंगे जब ए सी सर्किट होगी, उसको क्या करना है, सबसे पहले रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद उसके टर्मिनल के अक्रॉस जहाँ से हमने उसको रिमूव किया है उस टर्मिनल के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करेंगे, उसी का नाम दे देते हैं हम लोग वी टी एच। टी एच वाई, बिकॉज टी एच रिप्रेजेंट्स थेवेनिन, दिस रिप्रेजेंट्स थेवेनिन वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड एज वी टी एच, और वी ओ सी भी हम लोग इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किटेड वोल्टेज होता है, किसके अक्रॉस होता है? अक्रॉस द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। सेकेंड स्टेप क्या फॉलो करेंगे हम लोग? डीएक्टिवेट द कॉन्स्टेंट सोर्स एंड ऑप्टेन जेड टी एच आर आर टी एच। सेकेंड हमारा क्या फाइंड करना होगा? वी टी एच हमें पता चल गया सर्किट में, अब आर टी एच पता करना है हमें, आर टी एच या जेड टी एच जो भी कह लीजिए। तो कैसे पता करेंगे? इसका पहला स्टेप है कि अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पिडेंस। बच्चों सर्किट में अगर कहीं पर भी वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम लोग उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से या इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे, और अगर वो गिवन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, और अगर हमारे पास करंट सोर्स होता है तो उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे, और गिवन नहीं है उसका इंटरनल इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस तो हम लोग क्या करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है ऑब्टेन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बाय प्लेसिंग जेड टी एच आर आर टी एच इन सीरीज विद वी टी एच। तो ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा वी टी एच इन सीरीज विद आर टी एच या जेड टी एच, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने जो लोड रेजिस्टेंस आर एल को रिमूव किया था, अब उसको उस सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए वी टी एच आर टी एच थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब इसमें लाके हम लोग लोड रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जो हमने स्टार्टिंग में हटाया था। अब इसके अक्रॉस हमें करंट चाहिए थी, ठीक है, क्वेश्चन में इसके अक्रॉस मान लिया करंट पूछा था, तो अब यहाँ से आप करंट आसानी से बता सकते हैं। क्या बताएंगे? मान लेते हैं इसमें करंट आई एल फ्लो कर रही है, तो आई एल की वैल्यू कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है, वी टी एच डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल, आप इस सर्किट से इसमें करंट बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने सिंपल फॉर्मूले से आप लोग करंट निकाल सकते हैं लोड सर्किट में। लेकिन इसके लिए क्या पता करना पड़ेगा आपको? वी टी एच एंड आर टी एच, आर एल आपको पता रहेगा, वी टी एच आर टी एच पता करना रहेगा। वी टी एच होता है ओपन सर्किट वोल्टेज और आर टी एच होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो कैसे करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड आई, एक सर्किट डायग्राम दिया, देखिए 10 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ 10 ओम का एक रजिस्टर है। हमें करंट कौन सी आई फाइंड करनी है? ये गिवन है आई, इसको आई पता करना है। तो थेवेनिन सर्किट से अगर इसको सॉल्व करेंगे कैसे निकालेंगे? पहला स्टेप क्या फॉलो करना है बच्चों? कि जहाँ पे हमें करंट चाहिए उस सर्किट को, उस टर्मिनल को ओपन कर देंगे। तो अगर आप उसको ओपन कर दीजिए तो देखिए रिमेनिंग सर्किट कैसे बनेगी, ये रिड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। ये देखिए इसको ओपन कर दिया हमने, यहाँ लोड, ये लोड हो जाएगा हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे हमें करंट पता करनी है, तो ये आर एल हो जाएगा हमारे लिए। तो आर एल 10 ओम कहाँ से कहाँ लगा है? यहाँ से यहाँ, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। तो ये आर एल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना है क्योंकि यहीं पे करंट पता करनी है। इसको ओपन कर दिया और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज मेजर कर लेंगे, और इस वोल्टेज का नाम होता है वी टी एच।
ये हमारी 10 वोल्ट की बैटरी है 4 ओम का, और ये 12 वोल्ट है 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये VTH कितना होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, इसमें कुछ ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज होगा यही वोल्टेज VTH होगा। कैसे फाइंड करेंगे, VTH इक्वल्स टू 12 माइनस, मान लेते हैं कि ऐसे एक करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज स्मॉल आई, मान लेते हैं यहाँ से एक करंट स्मॉल आई एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है इस लूप में ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 12 माइनस 6 आई, यही होगा हमारा VTH, ठीक है। देखिए 12 का ये पॉजिटिव हो गया और इसके लिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाएगा, तो 12 में से इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा और फाइनल जो वोल्टेज आएगा वो 12 की पोलरिटी में आएगा, क्योंकि VTH का ये पॉजिटिव हमने माना है ये निगेटिव, और 12 वोल्ट का ये पॉजिटिव ऊपर रहेगा, ठीक है। तो 12 माइनस 6 आई, अब 6 आई मीन्स हमें आई पता करना होगा, तो आई कैसे पता करेंगे, इसमें केवीएल लगा लेते हैं, क्या लिखेंगे, 12 माइनस 6 आई माइनस 4 आई माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 10 लिख दिया है, माइनस 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 12 माइनस 10 मीन्स 2 हो गया, और 6 4 10 आई, ये हो गया 10 आई इक्वल टू 2, तो आई इक्वल टू आ गया बच्चों कितना जाएगा 0.2 एम्पियर, आई की वैल्यू आ गई 0.2 एम्पियर। तो यहाँ से VTH की क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 6 इंटू 0.2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 टू जा 12, 1.2 माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10.8 वोल्ट। तो यहाँ से आपका VTH आ गया 10.8 वोल्ट। अब हमें क्या पता करना है, RTH। RTH कैसे पता करते हैं, ये हमारा सर्किट था, इस सर्किट में आप क्या कर दें, ये जो वोल्टेज सोर्स हैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, ये देखिए 4 ओम का था, ये 6 ओम का था, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ से यहाँ वोल्टेज सोर्स था शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट कर दिया, ये बचा हमारा टर्मिनल, ठीक है, ए बी, इसी के क्रॉस हमें क्या पता करना है, रेजिस्टेंस। तो 6 और 4 किस में है बच्चों, पैरेलल में है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं ऐसे ए बी के क्रॉस, तो आर टी एच की क्या वैल्यू हो जाएगी, आर टी एच विल बी पैरेलल ऑफ 4 एंड 6, तो क्या लिखते हैं इसको, 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6, तो हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 2.4 ओम, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या था, कि एक थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लें, कैसे, VTH इन सीरीज विद RTH, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता है, और फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस थेवेनिन इक्विवेलेंट से हम लोग लोड रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए VTH की वैल्यू कितनी है, RTH है 2.4, ये हो जाएगा 2.4 ओम, और VTH की क्या वैल्यू आई थी, VTH था 10.8 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 10.8 वोल्ट, ठीक है। अब RL की बात करें, तो RL हमने 10 ओम लिखा था, स्टार्टिंग में 10 ओम था, इसको हमने रिमूव किया था, और इसी के थ्रू करंट पता करनी थी, ठीक है। तो इस I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, VTH अपॉन RTH प्लस RL, तो VTH की वैल्यू कितनी है, 10.8 डिवाइडेड बाय 2.4 प्लस 10, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो I की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10.8 डिवाइडेड बाय 12.4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.84 एम्पीयर। ये करंट आपको पता करनी थी थेवेनिन के हेल्प से, तो थेवेनिन करंट हमारी आ गई इस लोड में कितनी आ गई, 0.84 एम्पीयर। बहुत ही सिंपल था, क्या स्टेप फॉलो किया, पहला स्टेप हमने क्या फॉलो किया, कि जहाँ पे करंट पता करनी उसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद वहाँ का ओपन सर्किट वोल्टेज VTH निकाला, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसी टर्मिनल के अक्रॉस RTH निकाला हमने, और थर्ड स्टेप में क्या किया, इस सर्किट में दोनों की वैल्यू रख दी और यहाँ से करंट निकाल दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, क्या वैल्यू है इसकी, एक हमारे पास करंट सोर्स है,
एम्पियर का, इसके पैरेलल में लगा है 0.5 ओम का एक रेजिस्टर, इसके सीरीज में है 0.1 ओम का एक रेजिस्टर, फिर इसके पैरेलल में है 0.4 ओम, ठीक है, और यहाँ पे एक लगा है 2 एम्पियर का करंट सोर्स। क्या फाइंड करना है, फाइंड पता करना है हमें 0.1 ओम में जो करंट है, फाइंड करंट इन 0.1 ओम रेजिस्टर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन। तो थेवेनिन की हेल्प से इसमें हमें करंट पता करनी है, तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे बच्चों, पहला स्टेप वही कि क्या करें, इस सर्किट को ओपन कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 5 एम्पियर का करंट सोर्स, ये हो जाएगा 0.5 ओम, ये हो जाएगा 0.4 ओम, ये है 2 एम्पियर का करंट सोर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में हमारे 0.1 ओम का रेजिस्टर लगा था, इसी को हमने क्या नाम दिया, RL। तो इस लोड रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो यहाँ से इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये टर्मिनल A है मान लेते हैं और ये B है। अब इसी के बीच में वोल्टेज पता करना है, इसी वोल्टेज का नाम हम लोग कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज VTH। तो VTH पहले फाइंड करेंगे, तो VTH कितना हो जाएगा, VAB हो जाएगा, A से B का वोल्टेज। बच्चों VAB अगर कहीं लिखा है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है VA माइनस VB, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B। अब A पॉइंट का पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं और B पॉइंट का, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो VA कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए VA का मतलब हो गया इस 0.5 ओम में जो वोल्ट ड्रॉप हो रहा है यहाँ से यहाँ, और VB जो हो जाएगा ये 0.4 ओम में जो होगा, ठीक है। तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 0.5, क्योंकि देखिए 5 एम्पियर की जो करंट है वो ऐसे फ्लो करेगी, इसी में ये 5 एम्पियर रोटेट करेगा और ये 2 एम्पियर यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है। तो VA हो जाएगा 5 × 0.5, ये माइनस साइन लगाएंगे, VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 0.4, ये हो जाएगा 2.5 − 0.8, ये आ जाएगा आपका 1.7 वोल्ट। ये क्या आ गया बच्चों, VTH आ गया, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें सेकंड स्टेप हमारा होता है कि RTH पता करना है, तो RTH इसी के क्रॉस पता करना है, और कैसे, सोर्स को डीएक्टिवेट करके, कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग डीएक्टिवेट कर देंगे सोर्स को तो क्या हो जाएगा, ये 0.5 ओम और ये है आपका 0.4 ओम, ठीक है। यहाँ करंट सोर्स था तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और इधर भी एक करंट सोर्स है तो ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम बनेगा, और इसी के अक्रॉस हमें क्या पता करना है, रेजिस्टेंस। तो RTH की वैल्यू देखेंगे, 0.5 ओम एंड 0.4 ओम किस में हो जाएंगे, दोनों सीरीज में, तो RTH विल बी 0.5 प्लस 0.4 ओम मींस 0.9 ओम। तो यहाँ से बच्चों RTH आ गया, VTH आ गया। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना दें। क्या होता है उसमें, एक VTH होता है, सीरीज में RTH होता है, और फिर उससे कनेक्ट कर देते हैं हम लोग RL को, ठीक है। तो RL इक्वल टू कितना था क्वेश्चन में, देखिए ऊपर था 0.1 ओम, तो ये हो जाएगा 0.1 ओम, RTH आया 0.9, तो ये हो जाएगा आपका 0.9 ओम, एंड VTH इज 1.7 वोल्ट, तो ये आपका हो जाएगा 1.7 वोल्ट। अब यहाँ से आपको करंट पता करनी थी इसमें, तो IL इक्वल टू कितना हो जाएगा, IL विल बी VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। VTH हो गया आपका 1.7 डिवाइडेड बाई RTH इज 0.9 एंड RL इज 0.1, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा नीचे, तो ये आपका आ जाएगा IL इक्वल टू आ जाएगा, IL विल बी 1.7 एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा
कि 0.1 ओम में कितनी करंट होगी, 1.7 एम्पीयर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है एसी सर्किट का, इस बार कर लेते हैं क्वेश्चन। ये हमारा डीसी सर्किट का था, अब अगर एसी सर्किट की बात करें तो उसमें हमारे कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, आर एल एंड सी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए एक हमारे पास सोर्स है 10 वोल्ट का, एंगल जीरो है इसका, एक सीरीज में लगा है रेजिस्टेंस 10 ओम का, उसके बाद एक कैपेसिटर, और ये टर्मिनल ओपन है ऐसे, ठीक है, इसका नाम ए है, ये है बी, और ये 3 ओम का एक रेजिस्टर है, और जे 4 ओम का एक इंडक्टर लगा है, और इस कैपेसिटर की वैल्यू है -j10, इसका इंपीडेंस दिया हुआ है -j10। क्या पता करना है, फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अक्रॉस AB। क्या पता करना है बच्चों, इस सर्किट डायग्राम में जो AB टर्मिनल दिया है इसके अक्रॉस सर्किट क्या पता करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट पता करना है। बहुत ही सिंपल है, पहले से आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लोड रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, लोड रेजिस्टर को पहले से हटा रखा है RL को, और उनका टर्मिनल खोल के दे दिया है AB। तो पहला स्टेप हम लोग क्या फॉलो करते हैं कि AB के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता करना होगा, तो जो VAB होगा उसी को हम लोग VTH बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से यहां का वोल्टेज हमें पता करना है बच्चों, देखिए ये वोल्टेज किसके इक्वल होगा, अब अगर ये ओपन सर्किट है तो इसका मतलब इस कैपेसिटर में कोई करंट आएगी या नहीं आएगी, इस कैपेसिटर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो ये हमारे लिए यूजलेस है इस समय। ठीक है, क्योंकि जिस एलिमेंट में करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है वो यूजलेस है हमारे लिए। तो ए से बी का जो वोल्टेज होगा वो कहाँ से कहाँ का वोल्टेज होगा, मीन्स यहाँ से यहाँ का वोल्टेज होगा, ठीक, मीन्स 3+j4 ओम का जो पैरेलल ब्रांच है इसके अंदर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज होगा ए से बी का, उसी का नाम दिया है VTH। तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप इन 3+j4, ठीक है, यही हमारा VTH होगा। अब हमें इसमें पता करना पड़ेगा कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो कैसे पता करेंगे, VTH इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ है और दूसरा इंपीडेंस यहाँ पे है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के यहाँ का वोल्टेज पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। VTH कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ का हमें पता करना है वोल्ट, तो क्या होता है ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर लिखेंगे, यहाँ का इंपीडेंस कितना है 3+j4 डिवाइडेड बाई टोटल इंपीडेंस, मीन्स 3+j4 एंड और दूसरा कौन सा है 10 ओम, तो +10 हो जाएगा, और इनटू करते हैं हम लोग टोटल वोल्टेज, वोल्टेज हमारा था 10 विद एंगल 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये आएगा आपका 50 विद एंगल 53.13 डिवाइडेड बाई 13.6 विद एंगल 17.10। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आएगा 3.67 विद एंगल 36 डिग्री, ये क्या हो गया VTH की वैल्यू आएगी। कैसे करेंगे इसको, आप बस कैलकुलेटर में इस वैल्यू को रख दीजिए, ये अपने आप से सॉल्व होकर आ जाएगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू 3+j4 करेंगे तो इतना आ जाएगा, और डिनोमिनेटर ये आ जाएगा आपका विद 10 × 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद, मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस स्टेप को और आगे फॉलो कर लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30+j40, और ये हो जाएगा 13+j4 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में रखिए तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया VTH। अब नेक्स्ट स्टेप क्या पता करना होता है बच्चों, RTH। तो AC सर्किट है, जहाँ पे RLC दिया रहेगा वहाँ पे हम लोग RTH ना पता करके ZTH पता करेंगे। तो ZTH क्या हो जाएगा, देखिए इन्हीं दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पता करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो क्या सर्किट डायग्राम हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा था, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ पे -j10 ओम का है
माइनस जे टेन। बच्चों आरटीएच या जेटीएच पता करते समय आप जिसमें करंट नहीं फ्लो कर रही है उस इम्पीडेंस या उस रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करिएगा, उसको भूल मत जाइएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, जब करंट नहीं फ्लो कर रही थी तो हमने इस समय इसको हटा दिया था, पर ये सर्किट में है तो इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस जब मेजर कर रहे हो कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसको कंसिडर करना है। ठीक है, तो माइनस जे टेन, थ्री प्लस जे फोर, टेन। ठीक है, अब इस ए बी के अक्रॉस अब हम लोग देखें तो क्या देखेंगे कि ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 प्लस जे 4 जो ओम है ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो क्या हो जाएगा, जेड टी एच इक्वल टू हो जाएगा 10 किसके साथ पैरेलल में है, 10 पैरेलल विद 3 प्लस जे 4। अब इन दोनों को जब पैरेलल सॉल्व कर लेंगे जो वैल्यू आएगी वो माइनस जे 10 के साथ कैसी होगी, सीरीज में हो जाएगी, तो प्लस कर लें माइनस जे 10। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 इसमें पैरेलल में क्या करते हैं, R1 R2 upon R1 plus R2, तो मींस 10 इंटू 3 प्लस जे 4 करेंगे डिवाइड बाई 10 प्लस 3 प्लस जे 4 करेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस जे 40। उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 13 प्लस जे 4। अगर आपको इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और कैलकुलेटर अगर आपको यूज करने नहीं आता है कि रेक्टेंगुलर और पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा जे 2.15 माइनस जे 10। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.96 माइनस जे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.85। तो इसको फिर हम लोग आर थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 8.38 विद एंगल 69.3। तो ये क्या पता है, क्या निकला, जेड टी एच निकला। तो जेड टी एच इतना आ गया और वी टी एच इतना था। तो क्या पूछा था, फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस ए बी। तो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग वी टी एच अगर बताएंगे तो वी टी एच और जेड टी एच पता करना था। ठीक है, तो वी टी एच और जेड टी एच आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे, वी टी एच की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे और इक्विवेलेंट जेड टी एच, ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता है बच्चों। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा ये बी, तो वी टी एच की क्या वैल्यू आएगी, जेड टी एच है, जेड टी एच इज 8.38 विद एंगल 69.3 माइनस में, और वी टी एच हमारा है 3.67, ये हो जाएगा 3.67 विद एंगल 36 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।